सगौदा डीएचक्यू अस्पताल तकलीफ दे मसाइल का गढ़ बन गया। मरीजों को चेकअप कराने तक व्हीलचेयर्स स्ट्रेचर्स ना होने पर लड़ाइयां दिन ब दिन जोर पकड़ने लगी। कौमी इमलाक की निगरानी करने की बजाय अस्पताल का निज़ाम आवारा सिस्टम में तब्दील हो चुका है। टूटे फूटे स्ट्रेचर व्हीलचेयर्स को अलसरेनो वर्कशॉप में सुलझाने की बजाय कबाड़ समझ कर बगैर किसी निगरानी फेंक दिया जाता है, जो नशियों के हाथों गायब होना शुरू। लकड़ी के बेंचों में खटमल मरीज के लवाहिकीन को जहरीली खारिश तकसीम कर रहे हैं और सदराव से लिफ्ट के दोनों हिस्से बंद पड़े हैं। इमरजेंसी की हालत में नौमौलूद बच्चों को चौथी मंजिल पर ले जाना इंतहाई मुश्किल होता है। ऑक्सीजन वाले बच्चे बूढ़े मरीजों को अंदरूनी अस्पताल मुंतकिल करवाने के लिए सिलेंडर और वेंटिलेटर किराए पर लाना पड़ता है। दिन रात 24 घंटे हादसाती न्यूरो के मरीजों को इन्हीं के लवाहिकीन के सपुर्द करके टूटी व्हील चेयर और टूटे स्ट्रेचर्स पर लादने के बाद 4 एकड़ दूर खंडराती रस्ते से थरथराते हुए सीटी स्कैन टेस्ट के लिए बिछवा दिया जाता है। चेपतराशी और इलाज मुआवजा की आड़ में फ्राटियों की भरमार से मरीजों के लवाहिकीन लुटते नजर आते हैं।